देखने में तो अच्छी लग रही है, अब मैटर करता है इसका सोल कैसा है। सोल मैटर करता है कि बॉडी चाहे कैसे भी हो। सो हमारी ना जस्ट अभी मूवी खत्म हुई तो हम नीचे उड़े थे, तो जरा हटके जरा बच के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेंद्र 7 व्लॉग्स। तो यार अभी हम लोग आए हैं जनकपुरी, कुछ छोटा सा काम था, उसके बाद ना ये लोग तो चले जाएंगे शॉपिंग वगैरह पे, लेकिन मेरी ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सीधा अभी 400 मीटर दिल्ली हाट में, तो उसके बारे में अपडेट दूंगा बाद में, ठीक है। तो पहले ये लोग करेंगे शॉपिंग, मैं करूंगा मीटिंग वगैरह, और उसके बाद अगर टाइम बच खाएंगे यार सिज़लर, मैंने भी खाना है। उसके बाद यार मैं अपने साले साहब को आज मूवी दिखा के ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि यार इनका भी बड़ा मन है और इनसे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा मेरा मन है। मैं निवेदन करूंगा दोनों जिला के अध्यक्ष भाई सचिन जी, रमेश जी वह भी मंच पर आ जाएंगे। आप जानते हैं कि मेरा नाम रविशंकर है, मैं विदेश मंत्री हूँ। 40 साल करीब मैंने विदेश सेवा में बिताया था। तो यार हम लोग आगे मैकडी लिटिल मील ले लिया, अब यहाँ से कुछ सामान लेना था वो मिला नहीं। अरुण गए हुए मीटिंग में, मैं और शंकी जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम तिलक नगर चले जाएँ, वहाँ ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। और गाड़ी यहीं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पार्क करके, अब यहाँ से मैं सोच रही हूँ रिक्शा से जाते हैं, अगले स्टॉपेज तिलक नगर है, फटाफट वहाँ से लेके आ जाएंगे, तो हमें ईजी भी रहेगा कन्वीनियंट भी रहेगा। थोड़ी थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। वैसे मैक पफ बहुत टेस्टी था, है ना, मतलब इतना टेस्टी बना रखा था, और मैं तो बहुत ही गरम गरम खाती हूँ। मेरे को अरुण हमेशा बोलते हैं तेरा मुंह नहीं जलता, क्योंकि मेरे को बहुत हैबिट है मतलब बहुत ही ज़्यादा गरम खाने की। मेरा भी ऐसा है, ऑल दो आई नो कि वो गलत है, बट स्टिल मतलब मेरे को है थोड़ी सी हैबिट। तो अभी हम यहाँ से लेंगे रिक्शा, फिर जाएंगे तिलक नगर। और मैं सोच रही हूँ कि अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं शैंकी के, ये बहुत टाइम से बोला है बिरयानी खानी है, तो मैं सोच रही हूँ सैंडोज ले जाएंगे, सैंडोज में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। तो एज यूजल दिल्ली में जो हमारी फेवरेट सवारी है वो है ही रिक्शा, विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, ना ही आपको ड्राइव करना है, आराम से चले जाओ। तो हमने ले लिया यहाँ से रिक्शा। मैंने शंकी को बोला था रिलायंस चलते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ सामान लेना था। मैंने शंकी को ज्वेलरी की कलेक्शन भी दिखानी थी, पर ये कह रहा है कि यार आके देखते हैं। तो हम अरुण के बिना कर रहे हैं एंजॉय, ठीक है। कितना लग रहा है बक बक, तो सॉरी अरुण, शांति है यहाँ पे, शांति। तो शायद बहुत ही अरसे के बाद मैं पहुंच गई हूँ तिलक नगर मार्केट, वही भीड़ भड़क का, तो अच्छा डिसीजन था गाड़ी को ना जाना। तो ये अंकल आज भी यही है शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल लेके, और मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ सेंट्रल मार्केट। ये कैसी लग रही है? देखने में तो अच्छी लग रही है, अब मैटर करता है इसका सोल कैसा है। सोल मैटर करता है कि बॉडी चाहे कैसे भी हो, सोल इम्पोर्टेंट होती है। कुछ आया समझ में? क्या समझे इससे? सो यार मीटिंग वगैरह ओवर करके मैं फटाफट आ गया तिलक नगर जनकपुरी से लेके रिक्शा, ये और शैंकी यहाँ करते शॉपिंग। चलो सो ये हो गई है हमारे साले साहब की जीन्स, ये हो गई हमारे साले साहब की शर्ट, अब हम चाह रहे खाने। मैं घर आ गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और पता है मेरे को शूट करना है स्टैंड घर पे। देखो मैंने कैसे सेटअप बनाया, पहले ये रखा, अब इसके ऊपर ये रख रही हूँ ताकि फ़ोन का पूरा फ्रेम बने और मैं शूट कर पाऊँ। तो मेरा फाइनल जुगाड़ ये हुआ, मैंने यहाँ फ़ोन रख के एक वीडियो अभी शूट किया, अब मैं दूसरी करने लगी हूँ। सो यार थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, बहुत अच्छा खाना खाने के बाद, अब बज रहे हैं रात के 10:05, और हम लोग अब जा रहे हैं मूवी देखने। उपासना का यार थोड़ा सा वो बोले कि यार मैं थक गई हूँ, ओपीडी भी लेनी होती है, तो बोली कि यार प्लीज़ मेरे को जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम और शैंकी ही ये सारे स्टंट करो। तो यार इतना हैक्टिक सी चीज़ें हुई पड़ी है ना, शॉपिंग भी है, ऑफिस का भी देखना है, ऑनलाइन पेशेंट भी देखने हैं, ओपीडी भी मैनेज करनी है, बाकी भी काम है। और उनके तो बेचारे कि मैंने छूट ही छोड़ दिया, बस मैं करने के बाद लगी हूँ डिनर करने, ठीक है। तो मैंने अभी सोचा, मैंने कहा आगे के दिन भी बहुत हैक्टिक होने वाले हैं, तो कैसे तैसे बैठ के मैंने 3 शूट कर दिया आज, ठीक है, ताकि अरुण को भी थोड़ा सा काम करना इजी रह जाए, क्योंकि कल भी हमें चांदनी चौक जाना है सुबह। पढ़ रहा है ये फिर से अपनी बात मनवा लेगी। सो
हमारी ना जस्ट अभी मूवी खत्म हुई तो हम नीचे उड़ रहे थे, तो जरा हटके जरा बच के। तो यार जस्ट अभी मूवी खत्म हुई, मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड आफ्टर एजेस किसी सेम मूवी में इतना ज्यादा हंसना आया। और एंड पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ख्वाहिशों के ऊपर है, एक बार मूवी देखनी जरूर बनती है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो। एक बार तो देखो, बहुत मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया कि जो मूवी है ना वो ख्वाहिशों के ऊपर है, ठीक है, और खुशियों के ऊपर है, रिश्तों के ऊपर है। अगला स्टेशन द्वारका मोड़ है, प्लीज डू नॉट प्ले म्यूजिक। तो यार हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो कंप्यूटर बोलता है इसकी आवाज आ रही है। बात पता क्या आने लगेगा, इसको निकालो ना, ये ईयरफोन्स निकालो। ये मैंने किया इसमें फुल टाइम बाद में मेट्रो में अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट होगी। यू आर नॉट अलाउड टू शूट व्लॉग्स, कृपया मेट्रो में व्लॉग शूट ना करें और रील ना बनाएं। तो हम लोग निकल चुके हैं दोबारा चांदनी चौक के, अभी बज रहे हैं दोपहर के एक या दो, सवा दो, और इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इतनी ज्यादा गर्मी है कि सर हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। तो अभी हुआ क्या, हमने ना कोक वगैरह ले रखी थी, तो मतलब उसको यार मैंने कहा कहीं फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं मिला था, तो मेरे को वो दिखा सुलभ शौचालय, तो ना अंदर ना मैं कूड़ा डालने चला गया, तो आगे कह रहा 5 रुपये। मैंने कहा यार सिर्फ कूड़ा फेंकने गया था, कह रहा तो फ्री में फेंकिएगा। मैं थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी तो डर। तो आज के हमारे टास्क हैं, मेरी वाली क्या बने अचकन, मेरी वाली अचकन तो कंप्लीट हुई नहीं होगी, शैंकी की शेरवानी उठानी है, इनका लहंगा हो चुका है, फिर ब्राइड का जो लहंगा है वो उठाना है, ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी पापा की शॉपिंग करनी है, फिर इन्हें वृद्धि की शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद जो क्या क्या इनके जो एक्स्ट्रा एसेसरीज जो इनके लहंगे में अटैच होंगी वो सारी लेनी है। तो मतलब काम है बहुत ज़्यादा। 4 बजे तो आज यार 4 बज चुके हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा और तबीयत यार साथ नहीं दे रही, हल्की सी ना डिहाइड्रेशन सी फील हो रही है यार। हद होती है पता, एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है पता, पूरी यहाँ पे ना चांदनी चौक की पराठे वाली गली में चिल्ला चिल्ला कह रही है भैया ये अक्षय कुमार का घर देखने आया है, किसी को पता है अक्षय कुमार का घर बाकी इस वाली गली में। मैं एक बार ना उन भैया से पूछूंगा शेरवानी वाले से, वो कह रहे थे बोला अगली बार आओगे ना तो मैं आपको अक्षय कुमार का घर दिखा के लाऊंगा। नहीं उसकी यहाँ पे सिस्टर रहती है शायद, अलकार से नहीं। देखो मम्मी पीछे वो गोलगप्पे वाला गया, हमने नहीं खाए, मम्मी कह रही थी बाहर का कुछ नहीं खाना, तबीयत थोड़ी सी नासाज है आज, तो मम्मी ने मना किया था और भैया हमने नहीं खाया। मम्मी आपने देख लिया कि हम गुजर गए लेकिन खाया नहीं। सो यार ये है चांदनी चौक की गलियाँ, ठीक है, ऐसा मैंने पूछा था लास्ट टाइम तो उन्होंने बताया था कि चांदनी चौक में करीबन 3 लाख दुकानें हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मेरे को ना उपासना ने लेस लेने भेजा, तो मैंने उनको जाके बोला दुकान पे भैया लेस दे दो, तो उन्होंने दिया मेरे को, तो मैंने कहा भैया इस लेस पे थोड़ी लेस कर दो ना, वैसे मुझे अपनी शादी से पहले पता नहीं था लेस किसे बोलते हैं। शैंकी लेस किसे बोलते हैं, ये जो वो नहीं होती चुन्नियों के साइड पे लगाते हैं या सूट के, वो उस, तो फिर डिस्काउंट किसे बोलते हैं।